कुत्ते को घी हजम नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। ये एक मुहावरा है जिसमें साफ साफ कहा जाता है कि जिसकी औकात ही नहीं है वो कैसे उस चीज को हैंडल कर पाएगा, और यही बात तोशु पे लागू होती है। आज जो तोशु का हमने देखा इवेंट पे, कितना जो है उसका जलवा दिख रहा है, बड़ा बॉस दिख रहा है, तो ये किसकी वजह से है? अनुज की वजह से। मगर क्या तोशु को ये पोजीशन हजम हुई? चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तोशु को अनुज ने नौकरी दी, वहां तक तो चलो ठीक है, अनुज की गलतियां हम बात कर चुके हैं कि यह सब उसी की गलती का नतीजा है कि क्यों भरोसा किया तोशु पे। मगर मैं बात करूंगी तोशु की। तोशु ने सब चीजों को बहुत ही इससे लिया कि हाँ अच्छा है मुझे नौकरी मिल गई, मगर तोशु के ऊपर प्रेशर भी है गुंडों का। अब यहां तोशु को करना क्या चाहिए था? यहां पे तोशु को अपने पिता से, अनुज से क्लियर बात करनी चाहिए थी कि ऐसी करके सिचुएशन है और ये सब हो सकता है, मेरे पीछे गुंडे लगे हुए हैं, मुझे इतने पैसे देने हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। ये बात अनुपमा को पता है कि गुंडे घर आके धमकी देके गए हैं, वनराज को भी पता है, सबको पता है। तो जो गुंडे इवेंट पे एक बार आ सकते हैं दूसरी बार भी आ सकते हैं, तो फोन खत्म करने का या फोन बंद करने का क्या मतलब हुआ? यहां पे तोशु ने बड़ी गलती कर दी, गुंडे पहुंच गए वहां पे। अब जो पोजीशन हम तोशु की देख रहे हैं, एक नए एम्प्लॉय को जो कि चाहे अनुज का रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जिसका रिकॉर्ड इतना खराब हो, उसको इतनी बड़ी पोजीशन देना अनुज की गलती है, मगर यहां पे तोशु की भी गलती है। तोशु ने जिस तरह से उस पोजीशन का फायदा उठाया, वही कह रही हूं ना मैं कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, कि तोशु को इतनी बड़ी पोजीशन मिली, इतनी रेपुटेशन मिली, सब कुछ मिला, मगर हजम नहीं हो रहा। आज अगर हम इस सीन को देखते हैं इवेंट वाले, तो अनुज के बाद तोशु ही दिखाई देता है सेकंड बॉस। तो ये घी वाली बात ही हुई ना कि एकदम से जिसको कोई पूछ ही नहीं रहा था, कोई नौकरी नहीं दे रहा था पूरे अमेरिका में, जो तोशु बयान करता है, आज उसको इतनी बड़ी पोजीशन मिल गई और इतनी महंगी ज्वेलरी का रखवाला बन के बैठा हुआ है तोशु। तो ये सब तोशु को हजम नहीं हुआ, तोशु ने अपनी जान बचाने के लिए वहीं से चोरी कर ली और चोरी करके इल्जाम मां पे डाल दिया, तो वही करतूत हुई। जब कुत्ते को घी हजम नहीं होता, जब बदहजमी होती है तो पेट तो बिगड़ेगा ही, इसलिए अब सिचुएशन तोशु की बिगड़ेगी। तो ये बात तोशु को सोचनी चाहिए थी, जो तोशु ने नहीं सोची, तोशु ने ऑनर नहीं किया अपनी जॉब को, तो ये तोशु की कमी बहुत बड़ी है। अब आगे क्या होगा वो हम देखेंगे, जेल में कितने दिन रहता है तोशु, क्या होता है, मगर ये बात आपसे करना मेरा बड़ा दिल कर रहा था। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.